my channel. कैसे हैं आप सब लोग? होप सो आप बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो आज हमारा लास्ट डे है मणिपुर में, हम जा रहे हैं वापस और हमने पैकिंग कर दी है, हमने ब्रेकफास्ट कर दिया है और हम जाएंगे और देखते हैं उस दी का रिएक्शन क्या होता है हमारे जाने पे। सो वी हैव गॉट दीज गिफ्ट्स और हम इतने एक्साइटेड हैं, अभी खोल रहे हैं तो अभी देखते हैं इसमें क्या है ज़रा। तो हमें गिफ्ट में मिली थी ड्रेस जो कि मणिपुरी ड्रेस होती है, इनकी ट्रेडिशनल ड्रेस, और स्ट्रॉबेरीज, यमी स्ट्रॉबेरीज, और हमें मिली थी ड्राई कीवी और ग्रीन टी, बहुत फेमस है यहाँ पे। तो हम जा रहे थे, सबको अलविदा कह रहे थे और मिलन हो रहा था हमारा। ये ओजीदी ने सजाया है, ओह माय गॉड नाइस। ऊपर जाके फुल डेकोरेशन के लिए किसने प्लेट में अंदर जा सकते हैं। आई हैव डन दिस फूलों का डेकोरेशन आल्सो। सीख गई है हमारी लड़की यहाँ के रिवाज। तो हमें सी ऑफ करने सब लोग नीचे आए हुए थे और हम जा रहे थे, हम गाड़ी में बैठ चुके थे और बाहर बारिश लग रही थी तो हम एयरपोर्ट के बाहर ही वेट कर रहे थे। एंड फाइनली हमें सी ऑफ करने हमारे दी जिया जी भी आ गए। मुझे भाई नहीं बोलेगा। अब हम अंदर आ चुके थे, हमारा मिलन ख़त्म हो गया था, रोना धोना ख़त्म हो गया था, तो हम वेट कर रहे थे अपनी फ़्लाइट का और फाइनली हमारा टाइम हो गया था। इतना वेट करने के बाद हम बाहर आए क्योंकि अब हमारा टेक ऑफ टाइम होने वाला था तो सब लोग चल पड़े थे। तो सब लोग लाइन में खड़े थे बट कुछ लोग बहुत इरिटेटिंग भी होते हैं जो बीच में घुस जाते हैं, बट इट्स ओके, क्या ही बोल सकते हैं। हम अंदर आ गए थे, बैठ चुके थे और मुझे बहुत नींद भी आ रही थी, बहुत भूख भी लग रही थी और मैं बोर भी हो रही थी। वाओ, भूख का नाम ही लिया था, खाना हाजिर, छोले कुलचे पता नहीं क्या क्या था, वैसे अच्छा था खाना। हेलो गाइस, हमने छोले खा लिए और हमारी पेट पूजा हो चुकी है, छोले खिलाए गए हमें यहाँ पर, हम चाय पियेंगे। तो हम यूं ही मस्ती कर रहे थे और उज्जवल तो अपना डाउनलोड करके मूवीज देख रहा था और मैंने सोचा चाय पी जाए, थोड़ी इन्जॉय किया जाए, बट मैं क्या बताऊँ, चाय कितनी टेस्टी थी मैं आपको नहीं बता सकती। मतलब मैं ऐसी चाय ज़िंदगी में कभी नहीं पीना चाहूँगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसी चाय मैंने ना पी है ना मैं पीना चाहती हूँ। आपको मेरे रिएक्शन से ही पता चल जाएगा ये चाय कैसी होगी। सो फाइनली हम पहुँच चुके थे, हम बस से जा रहे थे। प्रधान को याद कर रहा है। रीच्ड दिल्ली के एयरपोर्ट में फाइनली और आई एम वेरी हैप्पी, मेरा नेट चल पड़ा है। तो आप सोच रहे होंगे मैं कह रही हूँ नेट चल पड़ा है, ये नेट हमारा 5 दिन से बंद था क्योंकि वहाँ पे कर्फ्यू की वजह से नेट नहीं चल रहा था। नाउ वी हैव रीच्ड दिल्ली एयरपोर्ट, फाइनली हमारा नेट अब वर्क करेगा आफ्टर 5 डेज, मैं बहुत खुश हूँ। एंड नाउ वी आर वेटिंग फॉर आवर कैब। वी वर ऑलरेडी टायर्ड और ऊपर से हमें वेट करना पड़ा कैब का क्योंकि इतना ट्रैफिक था। सो नाउ वी आर वेटिंग फॉर कैब और कैब भी इतनी लेट हो गई है, हम ऑलरेडी इतने थके हुए, 8 बज चुके हैं, 8:30 होने वाले हैं एंड आई डोंट नो कब कैब आएगी और हम कब घर पहुँचेंगे आज। वी वर वेरी हंग्री तो हमने अपना फेवरेट गार्लिक ब्रेड ऑर्डर किया विद शाही पनीर और यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी, यहाँ बैठने के लिए भी जगह नहीं मिल रही थी, लाइन में खड़ा होना पड़ रहा था। सो बस हमने अपना डिनर किया और हम वापस घर के लिए चल पड़े और उसके बाद मैं तो थकी हुई थी, मैं सो गई, मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया। तो मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, गुड नाइट, बाय।